Hey everyone, welcome back to another vlog. आज है मंडे. Welcome back to new. आज है मंडे और आज बज गया मंडे के 8:00. हम जा रहे हैं सो. आज है मंडे और हम जा रहे हैं सब्जी लेने. अभी शाम के बजने वाले हैं 9:00. भैंस के आंख है, पता नहीं मैं क्या टाइम आता. आज हमारे फनी दीदी आ रहे हैं हमारे घर में, आ रहे हैं शायद मासी की बेटी, बोला उन्होंने, बट अभी फोन स्विच ऑफ है, बाकी देख दिया आंधे के नहीं आंधे. तो चलिए सब्जी लेके आते पहले. तो अभी आए हम लोग सब्जी वगैरह लेके, और सब्जी मैंने बना ली वैसे, आटा वगैरह गूंद लिया. दीदी का वैसे फोन बंद आ रहा, मुझे देख सकते कितना पसीना आ रहा है. ये खाना बना के हुआ है, इतनी गंदी गर्मी है ना, इससे अच्छा तो दूसरी वाली गर्मी थी. यहाँ पे मेरी सब्जी बन रही है, यहाँ पे मैंने बनाया रायता, सैलेड भी काट दिया. अब एक ही बार किचन से निकलूंगी, आटा भी गूंद दिया. एक बार किचन से निकल के सारा काम फिनिश करके फिर सीधा ही नहाऊंगी. बहुत मुश्किल है भाई, अजीब ही गर्मी रखी है. अभी वो शायद 11 बजे तक पहुंचेंगे अगर आए तो, नहीं आए तो नंद बहुत बुरे हाल है. तो दीदी का नंबर आ रहा है बंद, अब पता नहीं वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. मेरी बन रही रोटियां, इसके बाद मैं नहाऊंगी. आज मैं 5 बार नहा ली सुबह से, इतनी गर्मी हो रही है. थोड़ा सा काम करें पसीना आ रहा है, थोड़ा सा काम करें फिर पसीना आ रहा है. तो अभी हम खाना खा के चुपचाप सोएंगे, पहले नहाऊंगी उसके बाद खाएंगे खाना. फिर आजकल नहाने का ही काम ज्यादा. खुरकदे भी बैठी उधर. गर्मी के हाल ही मत पूछो आप, गर्मी के हाल ऐसे हैं कि मैं क्या ही बताऊं. मतलब एक चीज़ मैं शेयर करने वाली थी. मतलब गर्मी इतने के सामने है, हमारे सामने ना एक बिल्डिंग है, वहाँ पे लाइक पीजी, वहाँ पे 7-8 लड़के रहते हैं. उन्होंने क्या किया कि कूलर उठाया सबने इकट्ठे ने, ऊपर छत पे लगे कूलर. इतना बड़ा कूलर उठाया उन्होंने, उसको छत पे लेके वहाँ लगाया. और जो पीजी में गद्दे नहीं मिलते, सबने अपना अपना गद्दा उठाया. वो मैं सोच रही लाइन किस चीज़ की लग रही है ऐसे गद्दों के ऊपर. फिर देखा कि मैं कैसे गद्दे उठा के सब अपने आराम से छत के ऊपर कूलर लगा के बाहर आराम से पड़े, आराम से सो रहे हैं सामने. मैं सोच रही देख यार क्या जिंदगी है, नहीं बड़ी आराम से गर्मी लग रही है. हम भी छत पे सो सकते थे, बट हमारे से कूलर नहीं उठाया जाएगा. और छत का हाल है वैसा, ऊपर से मच्छर 2 मिनट बैठने भी नहीं देते. अब तो बरसात होगी, अब तो मच्छर इतने आते हैं कि क्या ही बताएं. ये अभी सोते हैं, मिलते हैं आपसे सुबह. गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सुबह हो गई है और हम उठ चुके हैं, रेडी भी हो चुके हैं ऑफिस के लिए. तो आज है ट्यूसडे और आप बिलीव नहीं करोगे यहाँ कितनी गर्मी है. मतलब खड़े खड़े पसीने आ रहे हैं. अभी तो मैं जा रही हूँ ऑफिस, थोड़ा फिर मेरे को याद आया मैंने थोड़े कपड़े धोए थे, उनको उठा के जाती हूँ मैं, कि शायद आज बारिश बता रहा है. वैसे तो गूगल पे तो कल से ही बता रहे हैं, पिछले कल से, बट हुई नहीं पिछले कल भी. पंखे के नीचे खड़ा होना पड़ेगा तभी बनेगा कुछ, नहीं तो नहीं बनेगा. से ये बाकी अभी आजकल वर्किंग डेज हैं तो इतना कुछ खास चल नहीं रहा है मेरी ज़िंदगी में, यही चल रहा है खाओ पियो सुबह उठो जाओ. और दीदी का आना कैंसिल हो गया था, पता नहीं क्यों, अभी तक मुझे पता नहीं लगा रीज़न. आई थिंक वो घर निकल गए होंगे, एक्चुअली वो दिल्ली गए थे, तो वहाँ से हरिद्वार से फिर वो यहाँ पे आने का प्लान था उनका, बट उनके साथ और भी लोग थे तो शायद वो घर चले गए होंगे. और कल हम एक्साइटेड थे कि सपना दीदी आएंगे, बट आए नहीं. बाकी यही है, बहुत सारे लोग छोड़ो बातें नहीं करते. प्यार की बातें करते हैं, प्यार फैलाते हैं, स्प्रेड लव. कुछ एक चीज़ें मतलब पढ़ के ना थोड़ा दुख हो जाता है, फिर सोचती हूँ कि यार छोड़ो इनकी मेंटालिटी का मैं क्या ही कर लूँगी, मतलब बोल के मैं क्या ही चेंज कर लूँगी. तो उससे अच्छा है कि चलने देते हैं, जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं.
हाँ पर इतना बोलूंगी कि अगर आपको पसंद नहीं है आप मुझे ब्लॉक कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं, मेरे को सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप कुछ भी कमेंट करते हो ना मेरी वीडियोस पे, थोड़ा सा सोच समझ के क्या करो, क्योंकि मेरी फैमिली भी देखती है मुझे, मेरे गाँव वाले भी देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो ऐसे अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता है। वो लोग भी पढ़ते होंगे, है ना, आप फालतू की चीज़ें जब आप लिखोगे तो ऑब्वियसली बात है सामने वाला तो पढ़ेगा। सो मैं रिक्वेस्ट करके बोल रही हूँ कि आप जब भी कुछ ऐसा लिखते हो थोड़ा सा सोचते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में कहाँ जा रहा है। ओके बाय, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने भी दीजिए।